धोनी के साथ खेल चुका ये आईपीएल स्टार फैमिली कंट्रोवर्सी ने खत्म किया करियर। कभी भारत के उभरते क्रिकेटर रहे मनप्रीत सिंह धोनी 4 जनवरी को 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी धोनी के साथ खेल चुके मनप्रीत में स्टार बॉलर नजर आता था, लेकिन वो अपनी जबरदस्त फॉर्म बरकरार नहीं रख सके। साथ ही उनकी फैमिली कंट्रोवर्सी ने भी उनका करियर खत्म कर दिया। धोनी 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं। ये वो साल था जब मनप्रीत की पर्सनल लाइफ बिखर गई थी। मनप्रीत के अनुसार 2013 के बाद से उनकी लाइफ के काफी उतार चढ़ाव आए, जिसका असर फील्ड पर उनकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। उन्होंने 2005 में मनप्रीत कौर से शादी की थी। 2013 में मनप्रीत की अपनी फैमिली से अनबन काफी बढ़ गई थी। ये लव मैरिज थी, माँ की गोनी और उनकी वाइफ से नहीं पट रही थी, लिहाजा उन्हें फैमिली से अलग होना पड़ा। 2013 में एक वक्त ऐसा भी आया जब धोनी अपनी वाइफ और 4 साल के बेटे से भी अलग होने वाले थे। उन्होंने डिवोर्स तक की अर्जी दे दी थी। 2 साल तक को चंडीगढ़ के अपने घर को छोड़कर मोहाली में रहे। पारिवारिक विवाद के साथ ही धोनी की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। पैसे कमाने के लिए कुछ महीने उन्हें अमेरिका में काम करना पड़ा। धोनी के अनुसार, वो मेरी लाइफ का टेस्टिंग टाइम था, ना ही फैमिली मेरे साथ ही और ना ही मैं क्रिकेट पर ध्यान दे पा रहा था। आखिरकार करीब 7 महीने बाद धोनी अपनी वाइफ और बेटे के पास लौट आए। इसके बाद उनका क्रिकेटर करियर भी ठीक होने लगा। नवंबर 2017 में ही धोनी बेटी के पिता भी बने हैं। माँ ने कहा था धोनी से है जान का खतरा। मनप्रीत धोनी की फैमिली में विवाद इतना बढ़ गया था कि उनकी माँ ने ही उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। माँ मोहिंदर कौर का कहना था कि उनका छोटा बेटा मनप्रीत धोनी उनके हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। मनप्रीत से उन्हें जान का खतरा है, यदि उन्हें कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मनप्रीत को माना जाए। मोहिंदर ने ये भी कहा था कि इस काम में उनके पति और बड़ा बेटा भी मनप्रीत का साथ दे रहा है। आईपीएल और टीम इंडिया में खेल चुके धोनी के साथ 2008 में हुए आईपीएल के पहले सीजन में धोनी एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स में थे। इस सीजन में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। धोनी ने तब 16 मैचों में 17 विकेट झटके थे। आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद धोनी को जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। जून 2008 में उन्होंने हांगकांग के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया, तब धोनी टीम के कप्तान थे। हालांकि उनका करियर सिर्फ 2 वनडे मैचों तक ही सीमित रहा। दूसरा मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।